الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تین دن کے بعد 23 مارچ ہے یہ وہ دن ہے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت کا آغاز فرمایا تھا اور یوں باقاعدہ آپ کے دعوی مسیح موعود کے ساتھ جماعت احمدیہ کی بھی بنیاد پڑی. جماعت میں یہ دن یوم مسیح موعود کے نام سے منایا جاتا ہے. اس دن کی مناسبت سے جلسے بھی ہوتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے
दावा और आपके आने के मकसद के बारे में भी बताया जाता है। इसलिए इस हवाले से वो अभी 3 दिन बाकी हैं, लेकिन जुम्मा अगला फिर आगे चला जाएगा। इसलिए मैं आज हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के अपने अल्फाज में आपके कुछ इक्तबासात पेश करूँगा। इस साल शायद अक्सर मुल्कों और मकामात में जो आजकल वायरस की वबा फैली हुई है, उसकी वजह से जलसे ना हो सकें, इसलिए मेरे खुतबे के अलावा MTA पर भी इस हवाले से प्रोग्राम पेश होंगे। उन्हें हर अहमदी को अपने घर में सुनने की कोशिश करनी चाहिए अपने बच्चों के साथ। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में आप ही के काम को और आपके दीन को दुनिया में फैलाने के लिए मबूस किए गए थे। चुनाचे आप एक जगह फरमाते हैं, मैं आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता हूँ कि आप ही के लिए अल्लाह ताला ने इस सिलसिले को कायम किया है और आप ही के फैज़ान और बरकात का नतीजा है जो ये नुसरतें हो रही हैं। आप फरमाते हैं, मैं खोल कर कहता हूँ और यही मेरा अकीदा और मज़हब है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा और नक्शे कदम पर चलने के बग़ैर कोई इंसान कोई रूहानी फैज़ और फ़ज़ल हासिल नहीं कर सकता। आपने आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो रूहानी फैज़ पाया, उसकी वजह से अल्लाह ताला ने आपको दुनिया की इस्लाह के लिए भेजा। इस्लाम की शान व शौकत को दोबारा दुनिया में कायम करने के लिए भेजा। चुनांचे एक जगह आप फरमाते हैं, वारसलानी रब्बी ले इस्लाह खलके, कि और ख़ुदा ने मुझे भेजा है कि ता मैं मखलूक की इस्लाह करूँ। फिर अपनी बेसत के बारे में मज़ीद वज़ाहत फरमाते हुए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि मैं इसको बार बार बयान करूँगा और इसके इजहार से मैं रुक नहीं सकता कि मैं वही हूँ जो वक्त पर इस्लाह खल के लिए भेजा गया, ता दीन को ताज़ा तौर पर दिलों में कायम कर दिया जाए। मैं इस तरह भेजा गया हूँ जिस तरह से वो शख्स बाद कलीमुल्लाह मर्द खुदा के भेजा गया था, जिसकी रूह हेरोडस के अहद हुकूमत ने बहुत तकलीफ़ों के बाद आसमान की तरफ उठाई गई। फिर इस बात का ऐलान फरमाते हुए कि जिस मसीह मौऊद के आने की आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई फरमाई थी, वो अपने वक्त पर ज़ाहिर हुआ। आप फरमाते हैं, सो अब ऐ भाइयों, बराए खुदा धक्का और ज़बरदस्ती मत करो। ज़रूर था कि मैं ऐसी बातें पेश करता जिनके समझने में तुम्हें गलती लगी हुई थी। अगर तुम पहले ही राह सवाब पर होते तो मेरे आने की ज़रूरत ही क्या थी। मैं कह चुका हूँ कि मैं इस उम्मत की इस्लाह के लिए इब्ने मरियम होकर आया हूँ, और ऐसा ही आया हूँ कि जैसे हज़रत मसीह इब्ने मरियम यहूदियों की इस्लाह के लिए आए थे। मैं इसी वजह से तो उनका मसील हूँ कि मुझे वही और उसी तर्ज का काम सुपुर्द हुआ है जैसा कि उन्हें सुपुर्द हुआ था। मसीह ने ज़हूर फरमा कर यहूदियों को बहुत सी गलतियों और बेबुनियाद ख्याल से रिहाई दी थी। मेन जुमला इसके एक ये भी था कि यहूदी लोग एलिया नबी के दोबारा दुनिया में आने की ऐसी ही उम्मीद बांधे बैठे थे जैसे आजकल मुसलमान मसीह इब्ने मरियम रसूलुल्लाह के दोबारा आने की उम्मीद बांधे बैठे हैं। सो मसीह ने यह कहकर कि एलिया नबी अब आसमान से नहीं उतर सकता,
ज़करिया का बेटा यहया एलिया है जिसने कबूल करना है करे, इस पुरानी गलती को दूर किया और यहूदियों की ज़ुबान से अपने तई मुलहद और किताबों से फिरा हुआ कहलाया, मगर जो सच था वो ज़ाहिर कर दिया। यही हाल उसका उसके मसील का भी हुआ और हज़रत मसीह की तरह उसको भी मुलहद का खिताब दिया गया। क्या ये आला दर्जे की मुमासलत नहीं है? और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि हज़रत मसीह अलैहि सलाम ने हर कौम और मज़हब को अपनी बेइज़्ज़त की अहमियत बताई है। चुनांचे हज़रत मसीह अलैहि सलातो वसलाम जगह फरमाते हैं कि यह भी वाज़े हो कि मेरा इस ज़माने में खुदा ताला की तरफ से आना महज मुसलमानों की इस्लाह के लिए ही नहीं है बल्कि मुसलमानों और हिंदुओं और ईसाइयों तीनों कौमों की इस्लाह मंजूर है। और जैसा कि खुदा ने मुझे मुसलमानों और ईसाइयों के लिए मसीह मौत करके भेजा है, ऐसा ही मैं हिंदुओं के लिए बतौर उतार के हूँ। और मैं 820 बरस से या कुछ ज़्यादा बरसों से इस बात को शोहरत दे रहा हूँ कि मैं उन गुनाहों के दूर करने के लिए जिनसे ज़मीन पुर हो गई है, जैसा कि मसीह इब्ने मरियम के रंग में हूँ, जैसा कि मसीह इब्ने मरियम के रंग में हूँ, ऐसा ही राजा कृष्ण के रंग में भी हूँ, जो इन हिंदू मसब के तमाम अवतारों में से एक बड़ा अवतार था। या यूँ कहना चाहिए कि रूहानी हकीकत की रूह से मैं वही हूँ। यह मेरे ख्याल और क्यास से नहीं है बल्कि वो खुदा जो ज़मीन व आसमान का खुदा है उसने ये मेरे पर ज़ाहिर किया है और ना एक दफ़ा बल्कि कई दफ़ा मुझे बतलाया है कि तू हिंदुओं के लिए कृष्ण और मुसलमानों और ईसाइयों के लिए मसीह मौद है। मैं जानता हूँ कि जाहिल मुसलमान इसको सुनकर फिलफौर ये कहेंगे कि काफ़र का नाम अपने पर लेकर कुफर को सरी तौर पर कबूल किया है, लेकिन ये खुदा की वही है जिसके इजहार के बग़ैर मैं रह नहीं सकता। और आज ये पहला दिन है कि ऐसे बड़े मजमे में इस बात को मैं पेश करता हूँ, क्योंकि जो लोग खुदा की तरफ से होते हैं वो किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरते। यह आपने लेक्चर सियालकोट ने फरमाया, जहाँ आपने ये खिताब मुसलमानों और हिंदुओं के एक बहुत बड़े मजमे में दिया था ये लेक्चर। फिर अपनी बेइज्जत की अहमियत बयान करते हुए हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, इंसान जो कुछ अल्लाह ताला के हुक्म की मुखालफत करता है वो सब मूजब मासीयत हो जाता है। एक अदना सिपाही सरकार की तरफ से परवाना लेकर आता है तो उसकी बात ना मानने वाला मुजरम करार दिया जाता है और सज़ा पाता है। मजाजी हुकाम का ये हाल है तो अहकमुल हाकिमीन की तरफ से आने वाले की बेइज्जती और बेकदरी करना किस कदर अदूल हुक्मी अल्लाह ताला की है। खुदा ताला गयूर है, उसने मसलहत के मुताबिक ऐन ज़रूरत के वक्त बिगड़ी हुई सदी के सर पर एक आदमी भेजा ताकि वो लोगों को हदायत की तरफ बुलाए। उसके तमाम मसाले को पाँव के नीचे कुचलना एक बड़ा गुनाह है। यह फरमाते हैं कि इंसान की अकल खुदा ताला की मसलहत से नहीं मिल सकती। आदमी क्या चीज़ है जो मसलहत इलाही से बढ़कर समझ रखने का दावा करे? खुदा ताला की मसलहत इस वक्त बदीही और अजला है। अब फरमाते हैं कि इस्लाम में से पहले एक शख्स भी मुर्तद हो जाता था, अपने ज़माने की बात फरमा रहे हैं, तो एक शोर बर्पा हो जाता था। अब इस्लाम को ऐसा पाँव के नीचे कुचला गया है कि 1,00,000 मुर्तद मौजूद है। फिर आप फरमाते हैं कि इस्लाम जैसे मुकद्दस मुताहर मज़हब पर इस कदर हमले किए गए हैं कि हज़ारों लाखों किताबें आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियों से भरी हुई शाया की जाती हैं। बाद रसाले कई करोड़ तक छपते हैं। इस्लाम के बरखिलाफ़
जो कुछ आया होता है अगर सबको एक जगह जमा किया जाए तो एक बड़ा पहाड़ बनता है। मुसलमानों का ये हाल है कि गोया इनमें जान ही नहीं और सब के सब ही मर गए हैं। इस वक्त अगर खुदा ताला भी खामोश रहे तो फिर क्या हाल होगा। खुदा का एक हमला इंसान के हज़ार हमले से बढ़कर है और ऐसा है कि इससे दीन का बोलबाला हो जाएगा। ईसाइयों ने 1900 साल से शोर मचा रखा है कि ईसा खुदा है और उनका दीन अब तक बढ़ता चला गया और मुसलमान उनको और भी मदद दे रहे हैं। ईसाइयों के हाथ में बड़ा हरबा यही है कि मसीह ज़िंदा है और तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए। आप फरमाते हैं कि लाहौर में लॉर्ड बिशप ने एक भारी मजमे में यही बात पेश की, कोई मुसलमान उसको जवाब ना दे सका, मगर हमारी जमात में से मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहब जो मौजूद थे उठे और उन्होंने कुरान शरीफ, हदीस, तारीख, इंजील वगैरह से साबित किया कि हज़रत ईसा फौत हो चुके और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा हैं क्योंकि आपसे फैज़ हासिल करके करामत और ख़ारक दिखाने वाले हमेशा मौजूद रहे। तब उसका जवाब वो कुछ ना दे सका। आप फरमाते हैं कि मैंने एक दफ़ा लुधियाने में ईसाइयों को इश्तिहार दिया था कि तुम्हारा हमारा बहुत इख्तलाफ़ नहीं है, थोड़ी सी बात है, यह कि तुम मान लो कि ईसा फौत हो गए और आसमान पर नहीं गए, तुम्हारा इसमें क्या हर्ज है। उस पर वो बहुत झुंझलाए और कहने लगे कि अगर हम ये मान लें कि ईसा मर गया और आसमान पर नहीं गया तो आज दुनिया में एक भी ईसाई नहीं रहता। फरमाया कि देखो खुदा ताला अलीम हकीम है, उसने ऐसा पहलू इख्तियार किया है जिससे दुश्मन तबाह हो जाए। मुसलमान इस मामले में क्यों अड़ते हैं? क्या ईसा आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल था? अगर मेरे साथ खसूमत है तो उसमें हाथ से ना बढ़ो और वो काम ना करो जो दीन इस्लाम को नुकसान पहुँचाए। खुदा ताला नाकस पहलू इख्तियार नहीं करता और बजूद इस पहलू के तुम कसर सलीब नहीं कर सकते। फिर एक मौके पर हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि वो काम जिसके लिए खुदा ने मुझे मामूर फरमाया है वो ये है कि खुदा में और उसकी मखलूक के रिश्ते में जो कदूरत वाक़या हो गई है उसको दूर करके मोहब्बत और इखलास के ताल्लुक को दोबारा कायम करूँ और सच्चाई के इजहार से मजहबी जंगों का खात्मा करके सुलह की बुनियाद डालूँ और वो दीनी सच्चाइयाँ जो दुनिया की आँख से मख्फी हो गई हैं उनको ज़ाहिर कर दूँ और वो रूहानियत जो नफसानी तारीकियों के नीचे दब गई है उसका नमूना दिखाऊं और खुदा की ताकतें जो इंसान के अंदर दाखिल होकर तवज्जो या दुआ के ज़रिए इंसान के अंदर दाखिल होकर तवज्जो या दुआ के ज़रिए से नमूदार होती हैं, हाल के ज़रिए से ना महज मकाल के ज़रिए मकाल से उनकी कैफियत बयान करूं और सबसे ज़्यादा ये कि वो खालिस और चमकती हुई तौहीद जो हर एक किस्म के शिर्क की आमेजश से खाली है, जो अब नाबूद हो चुकी है, उसका दोबारा कायम दोबारा कौम में दायमी पौधा लगा दूँ। और ये सब कुछ मेरी कुव्वत से नहीं होगा बल्कि उस खुदा की ताकत से होगा जो आसमान और ज़मीन का खुदा है। मैं देखता हूँ कि एक तरफ़ तो खुदा ने अपने हाथ से मेरी तरबियत फरमा कर और मुझे अपनी वही से शर्फ़ बख्श कर मेरे दिल को यह जोश बख्शा है कि मैं इस किस्म की इस्लाहों के लिए खड़ा हो जाऊँ, और दूसरी तरफ उसने दिल भी तैयार कर दिए हैं जो मेरी बातों के मानने के लिए मुस्तैद हों। मैं देखता हूँ कि जब से खुदा ने मुझे दुनिया में मामूर करके भेजा है उसी वक्त से दुनिया में एक इनकलाब अज़ीम हो रहा है। यह आपका लेक्चर लाहौर का। फिर इस बात को बयान फरमाते हुए कि अल्लाह ताला अपनी रहमत के इजहार और बंदों को बचाने के लिए अपने फरिश्तादे और मुसले और ख़ास बंदे को भेजता है, आप फरमाते हैं
कि कानून कदीम, कानून कदीम हज़रत रब्बुल आलमीन का यही है कि जब दुनिया में किसी नौ की शिद्दत और सऊबत अपने इंतहा को पहुँच जाती है तो रहमत इलाही उसके दूर करने की तरफ मुतवज्जह होती है। जैसे जब इमसाक के बारान से गायत दर्जा का कहत पढ़कर खलकत का काम तमाम होने लगता है तो आखिर खुदाबंद करीम बारिश कर देता है, और जब वहाँ वबा से लाखों आदमी मरने लगते हैं तो कोई सूरत इस्लाह हवा की निकल आती है या कोई दवा ही पैदा हो जाती है, और जब किसी जालिम के पंजे में कोई कौम गिरफ्तार होती है तो आखिर कोई आदिल और फरियाद रस पैदा हो जाता है। बस ऐसा ही जब लोग खुदा का रास्ता भूल जाते हैं और तौहीद और हक परस्ती को छोड़ देते हैं तो खुदा वन ताला अपने तरफ से किसी बंदे को बसीरत कामिल अता फरमा कर और अपने कलाम और इल्हाम से मुशर्रफ करके बनी आदम की हदायत के लिए भेजता है कि ता जिस कदर बिगाड़ हो गया है उसकी इसलाह करे। इसमें असल हकीकत यह है कि परवरदिगार जो क़य्यूम आलम का है, दुनिया को कायम करने वाला है और बका और वजूद आलम का उसी के सहारे और आसरे से है, किसी अपनी फैज़ान रसानी की सिफत को खलकत से दरेग नहीं करता, खिलकत से दरेग नहीं करता और ना बेकार और मुअत्तल छोड़ता है, बल्कि हर यक सिफत उसकी अपने मौके पर फिलफौर ज़ुहूर पज़ीर हो जाती है। फिर हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम एक जगह बयान फरमाते हैं कि वो शख्स बड़ा ही मुबारक और खुशकिस्मत है जिसका दिल पाक हो और वो अल्लाह ताला की अज़मत और जलाल के इजहार का ख्वाह हो, क्योंकि अल्लाह ताला उसे दूसरों पर मुकदम कर लेता है। जो लोग मेरी मुखालफत करते हैं उनका और हमारा फ़ैसला अल्लाह ताला ही के सामने है, वो हमारे और उनके दिलों को खूब जानता है और देखता है कि किसका दिल दुनिया के नमूद और नुमाइश के लिए है और कौन है जो खुदा ताला ही के लिए अपने दिल में सोज़ो गुदाज़ रखता है। फरमाया कि ये खूब याद रखो कि कभी रूहानियत सऊद नहीं करती जब तक दिल पाक ना हो। जब दिल में पाकीज़गी और तहारत पैदा होती है तो उसमें तरक्की के लिए ख़ास ताकत और कुव्वत पैदा हो जाती है, फिर उसके लिए हर किस्म के सामान मुहैया हो जाते हैं और वो तरक्की करता है। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो कि बिल्कुल अकेले थे और इस बेकसी की हालत में दावा करते हैं कि या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया। कौन उस वक्त ख्याल कर सकता था कि यह दावा ऐसा बेयारो मददगार शख्स का बराबर होगा। फिर साथ ही इस कदर मुश्किलात आपको पेश आईं कि हमें तो उनका हज़ारवां हिस्सा भी नहीं आई। फिर हज़रत अक़दस मसीह अलैहिस्सलाम दुनिया को अमूमन दुनिया को नसीहत करते हुए फरमाते हैं कि हमारी आखिरी नसीहत यही है कि तुम अपने ईमान की खबरदारी करो, ना हो कि तुम तकब्बुर और लापरवाही दिखलाकर खुदाए ज़ुलजलाल की नज़र में सरकश ठहरो। देखो खुदा ने तुम पर ऐसे वक्त में नज़र की जो नज़र करने का वक्त था, सो कोशिश करो कि तमाम सआदतों के वारिस हो जाओ। खुदा ने आसमान पर से देखा कि जिसको इज़्ज़त दी गई उसको पैरों के नीचे कुचला जाता है, और वो रसूल जो सबसे बेहतर था उसको गालियाँ दी जाती हैं, उसको बदकारों और झूठों और इफ्तरा करने वालों में शुमार किया जाता है, और उसकी कलाम को जो कुरान करीम है बुरे कलमों के साथ याद करके इंसान का कलाम समझा जाता है। सो उसने अपने अहद को याद किया, वही अहद जो इस आयत में है कि इन्ना नहनो नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून। सो आज उसी अहद के पूरा होने का दिन है। उसने बड़े ज़ोर और हमलों और तरह तरह के निशानों से तुम पर साबित कर दिया
कि यह सिलसिला जो कायम किया गया उसका सिलसिला है। क्या तुम्हारी आँखों ने ऐसा कती और यकीनी तौर पर आँखों ने ऐसे कती और यकीनी तौर पर वो खुदा ताला के निशान देखे थे जो अब तुमने देखे? खुदा तुम्हारे लिए कुश्ती करने वालों की तरह गैर कौमों से लड़ा और उन पर फतह पाई। देखो आत्म के मामले में भी कुश्ती थी। तलाश करो आज आत्म कहाँ है, सुनो आज वो खाक में है। वो उसी शर्त के मुवाफिक जो इल्हाम में थी चंद रोज़ छोड़ा गया, और फिर उसी शर्त के मुवाफिक जो इल्हाम में थी पकड़ा गया। दूसरी कुश्ती लेख राम का मामला था, पर सोच कर देखो कि उस कुश्ती में भी खुदा ताला कैसे गालब आया। और तुमने अपनी आँख से देखा कि जिस तरह उसकी मौत की इल्हामी पेशगोइयों में पहले से इलामतें मुकर्रर की गई थी, उसी तरह वो सब इलामतें ज़ुहूर में आईं। खुदा के कहरी निशान ने एक कौम पर सख्त सोग वारद किया। क्या कभी तुमने पहले उसे देखा कि तुम में और तुम्हारे रूबरू उस जलाल से खुदा का निशान ज़ाहिर हुआ हो? सो ऐ मुसलमानों की ज़ुर्रियत, खुदा ताला के कामों की बेहरमती मत करो। तीसरी कुश्ती मुग़तसों के जलसा का मामला था। देखो उस कुश्ती में भी खुदा ताला ने इस्लाम को बोलबाला किया और तुम्हें अपना निशान दिखलाया, और कबल अज़ वक्त अपने बंदे पर ज़ाहिर किया कि उसी का मज़मून बाला रहेगा, और फिर ऐसा ही करके दिखला भी दिया। और इस मज़मून के बाबरकत असर से तमाम हाज़रीन को हैरत में डाल दिया। क्या ये खुदा का काम था या किसी और का? ये अब जिक्र फरमा रहे हैं उस जलसे का जहाँ आपकी किताब इस्लामी उसूल की फिलासफी पढ़ी गई थी, और इसकी कामयाबी के बारे में पहले ही अल्लाह ताला ने आपको बता दिया था, और आपने इसका ऐलान भी कर दिया था, और फिर गैरों ने बरमला इसका इजहार भी कर दिया कि यकीनन ये कामयाब तरीन मज़मून था। फिर आप फरमाते हैं कि फिर चौथी कुश्ती डॉक्टर क्लार्क का मुकदमा था, जिसमें तीनों कौमें आर्या और ईसाई और मुखालिफ मुसलमान मुत्तफिक हो गए थे ता मेरे पर इकदाम कत्ल का मुकदमा साबित करें। उसमें खुदा ताला ने पहले से जाहिर कर दिया कि वो लोग अपने इरादे में नाकाम रहेंगे, और 200 के करीब आदमियों को कबल अज़ वक्त इल्हाम सुनाया गया और आखिर हमारी फतह हुई। पाँचवीं कुश्ती मिर्ज़ा अहमद बेग होशियारपुरी का मुकदमा था, जिसके अजीज़ और लवाहिक इस्लाम से छटा करते थे, और बाद सख्त मुर्तद उनमें से कुरान शरीफ की सख्त तकजीब करके और इस्लाम पर ज़ुबान बद खोल कर मुझसे तस्दीक इस्लाम का निशान मांगते थे और इश्तिहार छुपाते थे। सो खुदा ने उन्हें निशान दिया कि अहमद बेग अजीज़ उनका चंद मौतों और मुसीबतों के देखने के बाद 3 बरस के अंदर फौत हो जाएगा। सो ऐसा ही हुआ, और वो मियाद के अंदर फौत हो गया। ता मालूम करें कि हर एक शोखी की सज़ा है। बस आपने दुनिया को तंबीह की कि खुदा ताला के भेजे हुए से लड़ाई मत करो। जब अल्लाह ताला ने भेजा है तो मदद और नुसरत भी फरमाता है, निशानात भी दिखाता है। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे पुरशौकत अल्फाज में फरमाया है कि दुनिया में एक नज़ीर आया, पर दुनिया ने उसको कबूल न किया, लेकिन खुदा उसे कबूल करेगा और बड़े ज़ोरावर हमलों से उसकी सच्चाई ज़ाहिर कर देगा। बस आज 200 से ऊपर ममालिक में फैली हुई जमात अहमदिया इस बात का ऐलान कर रही है कि अल्लाह ताला आपकी सच्चाई दुनिया पर ज़ाहिर फरमाता चला जा रहा है। अल्लाह ताला हमें भी आपके मिशन को फैलाने वालों में हिस्सेदार बनाए और हमारे ईमान और इकान को मज़बूत करे, और हमें अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं आजकल जो वबा फैली हुई है उसके बारे में दुनियादारों के जो तबसरे हैं
और तजिए हैं वो पेश करना चाहता हूँ। फिलिप जॉन्स्टन डेली टेलीग्राफ 18 मार्च 2020 में लिखते हैं कि नेटफ्लिक्स और इस तरह के दीगर प्लेटफॉर्म्स की रिपोर्ट है कि आजकल दिखाई जाने वाली 2011 की एक फिल्म बहुत मकबूल हो रही है जिसका नाम कंटेजन है। इसकी कहानी में एक वायरस के फैलाव तिब्बी मुहक्किकीन और सेहत के इदारों की तरफ से इस बीमारी की शनाख्त और इस पर काबू पाने की शदीद कोशिशों, माशरती नज़्म व ज़ब्त ख़त्म होने और आखिर में इसके फैलाव को रोकने के लिए वैक्सीन मुतारफ़ करवाने का ज़िक्र है। वो लिखता है कि मैं सोचता हूँ कि शायद हमारा इस तरह दुनिया की तबाही के मौजू पर बनी फिल्मों में दिलचस्पी लेना हमारे लंबा अरसा रहने वाले इस्तेहकाम और तरक्की का नतीजा है, जो दुनियादार तरक्की कर रहे हैं इसका नतीजा है शायद, जिसके बारे में हम में से अक्सरियत का ख्याल है कि ये तरक्की हमेशा रहेगी। ये हैरान कन है, कहते हैं कि यह हैरान कन है कि सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर के दौरान हमारी दुनिया बिल्कुल उलट चुकी है। लिखता है आगे कि हमारे सारे मंसूबे रुक गए हैं और मुस्तकबिल के बारे में हमारी उम्मीदें गैर यकीनी हैं। फिर आगे कहता है कि ना तो सर जंग के दौरान एटमी जंग का ख़तरा और ना ही हालिया पेश आने वाले मुख्तलिफ मुआशी बहरानों का ऐसा असर था जिस तरह आज इस वबा से हो रहा है। यहाँ तक कि गुज़श्ता, फिर लिखता है आगे कि यहाँ तक कि गुज़श्ता आलमी जंग के दौरान भी लोग थिएटर और सिनेमा और रेस्टोरेंट और कैफ़े क्लबों और पब्स में जाते थे, कम अज़ कम ये चीज़ थी जो लोगों को मैसर थी, लेकिन हम आजकल ये भी नहीं कर सकते। फिर कहते हैं कि हम में से बेशतर जो दूसरी जंग अजीम के बाद के ज़माने में पले बड़े हैं, हम लोगों ने हमेशा खुशहाली, इस्तेहकाम और इत्मीनान की तवक्को की है जिसका पहली नस्लों ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था, और ना ही वो लोग ऐसे हालात में थे कि इस बारे में सोचते। फिर आगे लिखता है कि उम्मीद है कि साइंस इस बीमारी की वैक्सीन या इलाज लेकर हमारे बचाव के लिए आ जाए, और शायद ऐसा हो भी जाए। और फिर कहता है कि सिएटल में अमेरिका में आज इंसानी रज़ाकारों पर ये तजर्बे का आगाज़ हुआ है, लेकिन कहता है कि बुरी खबर ये है कि ये जानने में भी महीनों लगेंगे कि इस वैक्सीन का कोई फ़ायदा भी होगा या नहीं। फिर आगे लिखते हैं कि पूरी तारीख में लोगों ने इस तरह के हालात में अपने अकीदे का सहारा लेकर अपने आप को इन हालात से गुजारा है। पुरानी तारीख जो है, अगर ऐसे हालात पैदा हुए ख़तरनाक, तो अपने अकीदे का सहारा लिया उन्होंने और अपने हालात को गुजारा, अल्लाह की तरफ रुजू किया, ताकि इन लोगों और उनके प्यारों के साथ जो कुछ हुआ है उसको कोई माने और मतलब दें। ला मज़हब, फिर आगे लिखता है कि ला मज़हब ऐसे मौक़ों पर हमेशा अपने आप को तसल्ली देने के लिए एक सेकुलर इंसानियत पसंदाना नज़रिया अपनाते हैं। ये बुनियादी तौर पर एक रोशन ख्याली का तसव्वुर है, लफ्ज़ अपनाते हैं कि इंसानी कोशिशों से, उनका ये नज़रिया है कि इंसानी कोशिशों से कुदरती अमल को हमेशा बेहतर किया जा सकता है और उसे तकदीर या खुदा के कहर से जोड़ना ज़रूरी नहीं है। फिर कहता है कि हमने कितनी बार लोगों को ये कहते हुए सुना है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि साइंसदान कुछ हल निकाल लेंगे, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग का मसला हो या कोई वबाई बीमारी। हमें इन करीब ये पता चलने वाला है कि आया इस तरह की उम्मीद रखना सही है या नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कहता है कि मैं गुदियाँ आ रहा ना खुद, फिर मैं शायद चर्च की तरफ वापस चला जाऊँ। अभी तो मैं मज़हब से दूर हूँ, खुदा से दूर हूँ, और जो बज़ाहिर शवाहिद नज़र आ रहे हैं ये ज़ाहिर इस तरह कर रहे हैं, और अगर ये नहीं होता जिस तरह ये साइंसदान कह रहे हैं तो फिर हमें भी सोचना पड़ेगा कि चर्च की तरफ वापस जाएँ, मज़हब की तरफ वापस जाएँ। बस इस वायरस ने दुनिया को इस बात पर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि खुदा की तरफ रुजू करें, लेकिन हकीकी
खुदा और ज़िंदा खुदा तो सिर्फ़ इस्लाम का खुदा है जिसने अपनी तरफ आने वालों को रास्ता दिखाने का ऐलान फरमाया है। एक कदम बढ़ने वालों को कई कदम बढ़कर हाथ पकड़ने का ऐलान फरमाया है, अपनी पनाह में लेने का ऐलान फरमाया है। बस इन हालात में हमें जहाँ अपने आप को संवारने की ज़रूरत है, अपनी तबलीग को मौसर रंग में करने की ज़रूरत है। दुनिया को इस्लाम के बारे में पहले से बढ़कर मुतारफ़ कराने की ज़रूरत है और फिर हर अहमदी को ये कोशिश करनी चाहिए कि दुनिया को बताए कि अगर अपनी बका चाहते हो तो अपने पैदा करने वाले खुदा को पहचानो, अगर अपने बेहतर अंजाम चाहते हो तो अपने पैदा करने वाले खुदा को पहचानो कि आखिरी ज़िंदगी का अंजाम जो है वही असल अंजाम है। उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ और उसकी मखलूक के हक अदा करो। बस ये हमेशा कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला इसकी तौफीक भी हर एक को अता फरमाए। ये आफात तो दुनियादार भी कहते हैं कि बढ़ती चली जानी है, इसलिए अपने बेहतर अंजाम के लिए जैसा कि मैंने कहा बहुत ज़रूरत है कि हम भी खुदा ताला की तरफ रुजू करें और दुनिया को भी बताएं कि असल अंजाम आखिरी ज़िंदगी का अंजाम है जिसके लिए तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ बहरहाल आना होगा। इसके बारे में एक माहिर की तंबीह यह है, दी टाइम्स में 6 मार्च में उन्होंने छाया हुआ था, एक माहिर ने मुतनब्बे किया है कि ख़तरनाक वायरस की जिनियाती तब्दीलियों के आम होने का बहुत इम्कान है और इसके साथ चंद बरसों में एक नए कोरोना वायरस की दुनिया में फैल जाने का भी इम्कान है। किसने लिखा है कि हर अगला शायद 3 साल के बाद कोई और नई बीमारी आ जाए। फिर ब्लूमबर्ग ने भी एक मज़मून लिखा, वो कहता है कि साइंसदान कोरोना वायरस पर काबू पा सकते हैं लेकिन वबाई अमराज के ख़िलाफ़ इंसानियत की जंग ना ख़त्म होने वाली जंग है। इंसानियत और जरसूमों के मबैन इर्तिका के दौड़ में कीड़े दोबारा आगे आ रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 1970 के बाद से अब तक 1500 से ज़्यादा नए वायरस दरियाफ्त हुए हैं और 21वीं सदी में वबाई बीमारियां पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से और दूर तक फैल रही हैं। फिर कहता है कि इससे पहले जो महदूद इलाकों में रहने वाली वबाएँ थीं अब वो बहुत तेज़ी से आलमी सतह पर भी फैल सकती हैं। बहरहाल इसकी लंबी तफसीलात हैं, ये तो सारी बयान नहीं हो सकती, लेकिन अपने अंजाम बखैर के लिए जैसा कि मैंने कहा हमें खुदा ताला से पहले से बढ़कर ताल्लुक पैदा करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला इसकी तौफीक दे हमें। कोरोना की वबा के बारे में पहले ही मैं हिदायत दे चुका हूँ, याद दहानी भी करवा दूँ क्योंकि अब ये तमाम दुनिया में बड़ी तेज़ी से फैल रहा है और यहाँ भी इसका असर बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब हुकूमत भी इस बात पर मजबूर हो गई है कि इकदाम उठाए और ज़्यादा सख्त इकदाम उठाए, बड़े इकदाम उठाए। जब बीमारियाँ आती हैं, वबाएँ आती हैं तो हर एक को अपनी लपेट में ले सकती हैं, इसलिए हर एक को बहुत एहतियात की ज़रूरत है। हुकूमती हदायात पर अमल करें, बड़ी उम्र के लोग, बीमार लोग, ऐसी बीमारियों में मुबतला लोग जिनका कुव्वत मुदाफ़त जिस्म की ख़त्म हो कम हो जाती है उनको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। बड़ी उम्र के लोग घरों से कम निकलें और यही हुकूमत का ऐलान भी है, सिवाए इसके कि बहुत अच्छी सेहत हो उन घर में रहना चाहिए। मस्जिद में आने में भी एहतियात करें, यहाँ तक जुमा भी अपने इलाके की मस्जिद में पढ़ें। और आज की यहाँ हाज़िरी से भी लग रहा है कि अक्सर लोग जुमा अपने अपने इलाकों में ही पढ़ रहे हैं,
سوائے اس کے اس بات پر بھی حکومت کی طرف سے پابندی لگ جائے کہ جمعہ بھی کے لیے گیدرنگ بھی نہ ہو, عورتیں عموماً مسجد میں آنے سے پرہیز کریں, بچوں کے ساتھ آتی ہیں ان کو پرہیز کرنا چاہیے. پھر عموماً ڈاکٹر بھی آج کل یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنی جسم کی قوت مدافعت بڑھانے کے لیے اپنی آرام کو بھی پہ بھی توجہ دینی چاہیے, اس کے لیے اپنی نیند کو پورا کرنا چاہیے, اپنی نیند پوری کریں خود بھی اور بچے بھی. بڑے آدمی کے لیے 6-7 گھنٹے کی نیند ہے, بچے کے لیے 8-9 گھنٹے یا 10 گھنٹے کی نیند ہے, اس طرف توجہ دینی چاہیے. یعنی کہ ساری رات بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے رہے اور 12 بجے تک اس کے بعد صبح اٹھ کے دیکھ تو نماز پہ نہ اٹھ سکے, پھر جلدی جلدی اٹھے, چند گھنٹوں کے بعد کام پہ جانا ہے, اس کی مشکلات, پھر سارا دن سستی, پھر کمزوری, پھر کام کی تھکاوٹ, اور اسی وجہ سے پھر یہ بیماریاں جو ہیں حملہ بھی کرتی ہیں. اسی طرح بچوں کو بھی عادت ڈالیں جلدی سوئیں اور جلدی اٹھیں 8-9 گھنٹے کی نیند پوری کر کے. پھر بازاری چیزیں کھانے سے بھی پرہیز کریں, ان سے بھی بیماریاں پھیلتی ہیں. خاص طور پہ یہ جو چپس وغیرہ کے پیکٹ ہیں, یہ بچوں کو کھانے کے لیے لوگ دے دیتے ہیں, یا ایسی چیزیں جو بنی ہوئی ہیں جس میں بعض پرزرویٹیو ڈالے ہوتے ہیں, یہ خطرناک ہیں صحت کے لیے, ان سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ بھی انسانی جسم کو کمزور کرتے جاتے ہیں آہستہ آہستہ. پھر یہ بھی ڈاکٹر آج کل کہتے ہیں کہ پانی بار بار پینا چاہیے, ضروری ہے کہ گھنٹے بعد, آدھے پونے گھنٹے بعد, گھنٹے بعد 1-2 گھونٹ پی لیں. یہ بھی بیماری کے سے بچنے کے لیے ایک ذریعہ ہے. ہاتھوں کو صاف رکھنا چاہیے, اگر سینیٹائزر نہیں بھی ملتے تو ہاتھ دھوتے رہیں, اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کم از کم 5 دفعہ وضو کرنے والے جو ہیں ان کو صفائی کا موقع مل جاتا ہے, اس طرح توجہ کریں. چھینک کے بارے میں پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں, مسجدوں میں بھی اور عام طور پہ بھی اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے بھی رومال آگے رکھ کے, ناک پہ رکھ کے, یا اب ڈاکٹر کہتے ہیں بعض کے بازو اپنا سامنے رکھ کے اس پہ چھینکیں تاکہ ادھر ادھر چھینٹیں نہ اڑیں. بہرحال صفائی بہت ضروری ہے اور اس طرح خیال رکھنا چاہیے. لیکن آخری حربہ دعا ہے, اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے شر سے بچائے. ان تمام احمدیوں کے لیے بھی خاص طور پر دعا کریں جن کو, جو اس بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں کسی وجہ سے, یا ڈاکٹروں کو شک ہے کہ ان کو بھی یہ وائرس ہے, یا کسی بھی اور بیماری میں مبتلا ہیں, سب کے لیے دعا کریں. پھر اسی طرح کسی بھی بیماری کی کمزوری کی وجہ سے, جیسا کہ میں نے کہا وائرس حملہ آور ہو جاتا ہے, ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں بچا کے رکھے. عمومی طور پر ہر ایک کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ دنیا کو اس وبا کے اثرات سے بچا کے رکھے, جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے, اور ہر احمدی کو شفا عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ ایمان اور اکان میں بھی مضبوطی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر